अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उर्दा पाकिस्तान। आज जो जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कर्लिंग जो हमारे गार्लिक में आई हुई है, ये आई है, क्यों आई है और इसका इलाज क्या है। बड़ी शॉर्ट वीडियो है। इसमें जो प्लांट तो जो कर्ल हो चुके हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट तो उन्हीं की होगी ना जो कर्ल हो गए हैं, बाकी जो ठीक है उनको तो कुछ नहीं कहना ना। जो कर्ल हो गए हैं या वो मुरझा रहे हैं या उनके जो पत्ते हैं वो अकड़े हुए नहीं हैं, ढीले ढीले हैं, उनको हमने क्या किया, उनको स्टॉक सेवर जो है उनको ड्रिंच किए हैं। स्टॉक सेवर तारक न्याजी साहब की प्रोडक्ट है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह 7 से 8 पौधे हम उससे रिकवर कर चुके हैं। बाकी जो पौधे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रिकवरी की तरफ गामसन हैं। जब हमें ये मसला दरपेश हुआ, डेफिनेटली एक एक्सपेंसिव क्रॉप है तो डिस्कशन तो बनती है, फिर क्रॉप तो कोई भी हो उसका डिस्कशन ज़रूरी है कि उसकी बीमारी क्या है, उसका वो क्यों आई है, उसका हल क्या है, उसका इलाज क्या है। तो हमने उसको जो स्टॉक सेवर हमने बनाई है उसको हमने फ्लड किया। फ्लड ऐसे नहीं इंजनी किया कि सारे चीज दब देता पड़ के, ड्रम च पाया तो दे 4-4.5 उस तो अगर इंज कर देंगे तो पानी की ज्यादा हो जाएगी, पानी तक ही सोर्स ऑफ फंगस है। वो उन्हें पौदों में असं अलहदा करके अलहदा तो सर्कुलेशन करके उन्होंने ड्रिंच कराया, अज किया एक दिन छड़ के फिर उन्होंने ड्रिंच कराया, फिर 2 दिन बाद फिर ड्रिंच कराया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, असं तारक न्याजी साहब के बड़े शुक्रगुजार हाँ, उन्होंने बेटे ने ओम न्याजी साहब जिन्होंने सानू गाइड किया और अल्हम्दुलिल्लाह अज असी पौधे अपने ठीक कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। अस्सलामुअलैकुम।